हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैंने मीशो से बहुत ही प्यारा हैंड बैग परचेज़ करी है, जो फर्स्ट टाइम लग रहा है कि मीशो पे मैं ही इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो बैग है, आप जब इसका पूरा लुक देखोगे तो आप जाके मीशो पे सर्च करोगे ही और इसको बाय करोगे, क्योंकि एक तो ये काफ़ी चीप रेट में है और हमारे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये बैग। तो इसका वीडियो और इसका रिव्यू मैं बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से डीपली मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये बैग को कैसे यूज़ करते हैं, और इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये हैंडबैग है तो चलिए हटा देते हैं। मैंने इसको पहले से खोल के रखा हुआ है, तो ये देखिए, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि एक हैंडबैग में इसमें एक व्हील लगी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें ही व्हील लगी हुई है, और इसका प्राइस आप सुनोगे तो और ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाओगे कि इतने कम प्राइस में ये व्हील वाला ये बैग मुझे रिसीव हुआ है। और व्हील भी ऐसा वैसा नहीं है, ये व्हील भी काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, आप देख सकते हो। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि इसमें आप 10 kg लेके जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो खाने पीने का सामान होता है, कुछ कुछ कपड़े होते हैं, 2, 4, 5 इसमें आराम से आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये बैग है, आप देख सकते हो, लेकिन ये अभी फोल्ड है। तो आप इसको चाहो तो यहाँ से खोल के इसको और बड़ा कर सकते हो। इसमें जो चेन दिया हुआ है, ये चारों तरफ से चेन दिया हुआ, आप इसको खोलना है। मैं खोल के फिर आती हूँ वीडियो पे। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ से खोल दिया है। तो खोलने के बाद ये लंबा हो जाएगा, यानी अच्छा खासा लंबा ये बैग हो जाएगा। तो ये देखिए, ये चेन मैंने खोल दी है, तो ये इतना बढ़ गया है, यानी इतना लंबा हो चुका है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट करके थोड़े बहुत सामान जो मार्केट में लेके जाने होते हैं वो आप लेके जा सकते हो। रही मतलब ये व्हील की बात, तो जब भी अगर आपका सामान ज़्यादा हो जाए, हैवी हो जाए, आप कहीं एयरपोर्ट जा रहे हो या फिर ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बैग रखे कहाँ, कहीं भी ढुलक जाती है, गिर जाती है नॉर्मली। तो ये इसमें बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए, ये इसमें व्हील दिया हुआ है कि अगर अगर सामान आपका रहे तो आराम से आप इसको अच्छे से खड़ा कर सकते हो, और ज़्यादा अगर आपका हैवी सामान है तो आप इसको, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रॉली खींच के लेके जाते हैं, तो आप इसको खींच के लेके जा सकते हो। इसमें सामान नहीं, इसीलिए बार बार गिर रहा है, ये देखो। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, ये बैग काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है, तो मेरे लिए तो इतने बड़े बड़े बैग ले जाने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए मैंने पर्सनली अपने बच्चे के लिए पर्स मतलब बैग हैंड बैग ये परचेज़ करी है, क्योंकि ऐसे बैग बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में, तो पता नहीं मिलते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ मैं मीशो पे मैं सर्च कर रही थी, बट फाइनली मुझे ये फ्रंट पे दिख ही गया, तो फट से मैंने इसको ऑर्डर मार ही दिया। तो इसमें अच्छा खासा आपका सामान आ जाएगा, कम से कम इसमें आपका, कम से कम अगर आप साड़ी या सूट रखते हो तो कम से कम 5 तो सूट इसमें आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। खाने पीने का सामान लेके जाते हो, कुछ भी, अब अगर बच्चे, अगर आपका छोटा बच्चा है तो बच्चे का सारा डायपर से लेके खाने पीने का सामान से लेके इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी आ जाएगा। और क्वालिटी वाइज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चाहो तो यहाँ से और स्टिचिंग करवा सकते हो, लेकिन इसमें स्टिचिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली दी हुई है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 295, ओनली 295 की पड़ी है, बट इसका थोड़ा सा बजट अभी बढ़ गया है, 3 3+ कुछ करके हो गया है, 10 12 रुपये बढ़ चुके हैं, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अगर आपको इसको नीचे करना है तो सबसे प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आप इसको निकाल दे रहे हो तो नीचे करने में सबको नीचे फोल्ड करने नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ से पुश करनी है, आप देख रहे हो, आपको यहाँ से पुश करनी है, पुश करने के बाद ये फोल्ड हो जाएगी, नहीं तो अगर समझ में नहीं आएगा तो अदरवाइज ये टूट भी जाएगा। यहाँ से आपको फोल्ड करनी है, यहाँ से पुश करनी है, फिर इसको, ये चीज़ें आप बारीकी से देख लो, ये चीज़ें आपको अंदर की तरफ पुश करनी है, फिर यहाँ से आपको खींच देनी है। पुश करने के बाद ये खुद पे खुद
मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको इसे पोस्ट करने के बाद तो ये देखिए, आई होप सो कि जो बैग है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो ये पर्सनली जिसका बच्चा है तो काफ़ी उसके लिए यूज़फुल होने वाला है, और जो ट्रैवल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।